छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे भाई जयवीर वाल्मीकि जी और सम्मानित मंच सब प्रतिष्ठित आदमी बैठे हैं यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों मातृशक्ति के प्यारे बच्चों पत्रकार बंधुओं तो ये सोच रहे जब पसीना आया है ना आज ये गंगा स्नान कर लिया और ये राज खाली नहीं जाएगा आपका राज जी में रंग लेकर पसीना आज इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आप सबको मालूम है 21 तारीख को आपने अपना विधायक चुना है ये जो चुनाव है ये खाली विधायक चुनने का नहीं है ये चुनाव अपनी सरकार बनाने का चुनाव है। मैं 3 दिन से लगातार नारायणगढ़ से मैंने शुरू किया था नारायणगढ़ रादौर लाडवा देवा चीकागुला और थानेसर और आज भी इधर पतियाबाग रतिया इस सब जगह पूरा घूम के आया हूँ बतियाबाद सीता यहाँ आया हूँ। एक बात कह रहा हूँ जो जन समर्थन मिल रहा है आपको समझो हरियाणा में आपकी सरकार बनने वाली है कांग्रेस पार्टी और वो सरकार बनाने में विधायक जरूरी होते हैं तो भाई सरकार बनाने के लिए जयवीर विधायक बनाना जरूरी है। देखो हरियाणा 66 में बना था 66 से लेकर कितने लंबे संघर्ष के बाद 2005 में आपकी सरकार बनी और 10 वर्ष का दो टर्म में मेरे को भी सेवा करने का मौका मिला उसको अपने आपके कार्यकाल में 36 बिरादरी की हर वर्ग की सेवा की किसानों का गरीब आदमी का महिलाओं का हर किसान आज तक दीदी वो बहुत सारे यहाँ पे क्या भाव मिला था मेरे टाइम में दीदी का 5,000 आज के भाव है 8 भाव हो गया और किसान बर्बादी के कगार पे आ गया क्योंकि लागत बढ़ा दी आमदनी घटा दी। लागत कैसे बढ़ी हमारे टाइम में ना तो खाद पे टैक्स था ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था ना ट्रैक्टर पार्ट पे था और पूरे उत्तर भारत में डीजल सबसे सस्ता था दिल्ली आ गए आज भाग ले जाएंगे। आज देखो आप जो 800 का कट्टा था हमारे टाइम में कितने का हो गया भाई 1700 का 1400 का बैठे तू हो भाई तो भी बैठ जाए 20 मिनट बोलो बंद करो। और इसी प्रकार से स्प्रे जब करते थे दवाइयों का तो 200 रुपये यूज हो जाता है एक किले में बीस कितने में हुआ है मैंने पूछा था आदित्या में बड़ा जी 1,500 में हुआ ये परिस्थिति इसका नतीजा क्या हुआ कि सारा किसान वर्ग कर्जे में डूब गया कोई किसान ऐसा बाकी नहीं है जिसके सिर पर कर्जा ना पड़ा
इसी प्रकार से जो गरीब आदमी हैं जिनके लिए हमने बहुत स्कीम बनाई, दाल रोटी की स्कीम चलाई बीपीएल को, और दाल रोटी की स्कीम बंद कर राशन की वो करी, 2 किलो चीनी देते थे वो 1 किलो करी 3 सालों दी थी। इसी प्रकार से जो मनरेगा की जा रही थी वो भी कार्ड बदल दिए, बीपीएल के कार्ड भी फुटफुट कर दिए, एक तरफ से लाखों कार्ड काट दिए गए, ये आपके सामने है। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारी है उनको उनसे वायदा कहते हैं पंजाब समान वेतन मान देंगे, वो तो दूर जो 7वें पे कमीशन का है HRM 6,000 करोड़ का बाकी है वो भी नहीं दे रहे। कानून व्यवस्था आपके सामने है, 3 कत्ल औसतन रोज होते हैं हरियाणा में, 5 बलात्कार होते हैं, और फिरौती डाका बैंक लूटना लॉकर तोड़ना सस्ती गाड़ियों को लूटना इनकी तो गिनती नहीं। ऐसा हो रहा है साल जो कर हरियाणा में सरकार ही ना हो, जो करनी जो करो पर बाहर से लूटने जो आए हैं लूटते हैं चले जाए छाती तान के। ऐसे हालात 2005 से भी पहले से आपको याद होगा, जब आपकी सरकार बनी मैं बना तो मैंने कह दिया था भाई बदबाद मुझे हरियाणा छोड़ दो, 2 महीने सारे छुटवा दिए जो बाहर गए थे, और 10 साल हरियाणा चुप तो बचा, और आज फिर कह रहा हूँ हमारी सरकार आएगी तो फिर इन गुंडों को हरियाणा से छुटवाएंगे, गुंडे आपको नहीं करने के पास ये कोई तरीका है। तो इस प्रकार से आप देखो हर वर्ग परेशान है। इस 5 साल में इन्हें कहा कुछ, कहा तो ये किसानों का स्वामीनाथन लागू करेंगे लेकिन आज MSP भी नहीं मिलती। जो भाई कपास बोलते हैं हरियाणा में 5,500 MSP है, उसी इलाके में गया था मैं, वो आज किसान 4,800 की बेच रहे, धान का पूरा भाव नहीं मिल रहा। आप बाजरा सरसों और जो सूरजमुखी बोलते हैं उनके क्या कह रहे हैं, हम 1 किले का 5 क्विंटल जाएंगे, बाकी काले जाएगा, बाकी काले के जाएगा, कोई इतना MSP भी नहीं मिलता, भाव भी नहीं मिलता, और किसान करते में दूर हो गरीब आदमी के बताया आदि स्कीम बंद कर दी। और जो 100-100 गज के प्लॉट हमें 3,82,100 गज के प्लॉट थे भाई, इनको 5 साल हो गए पूरा हल्का बैठे, एक आदमी को बता दो किसी काम मैंने 100 गज का प्लॉट दिया तो उसका नाम और गांव का नाम बता दो। न किसान के न गरीब आदमी के न कर्मचारी के न व्यापारी के मंडी बैठे मंडी आदमी पूछो जिन्होंने हमारा मुनाफा तो गया दूर, हम तो पूंजी खाने का भी नोटबंदी का भी GST ये हालात कर दिए। तो मैं कह रहा था आपको लंबे संघर्ष के बाद 2005 तो बनी थी, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई क्योंकि इनके वायदे बहुत किए थे और 5 साल में निकल दिया। अब सवाल एक आता है आपसे पूछना भी चाहिए, तो इनने तो बर्बाद कर दिया, इनने तो हमारा बच्चा बना दिया।